हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। द टॉपिक इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज अ एरर। एरर का सिंपल सा मतलब है कि जो डेटा सेंडर सेंड कर रहा है, अगर रिसीवर सेम डेटा रिसीव नहीं कर रहा, इट मींस देयर इज अ काइंड ऑफ एरर। मतलब अगर सेंडर ने डेटा सेंड किया 101 और रास्ते में वो डेटा चेंज हुआ या व्हाट एवर द रीजन, और रिसीवर रिसीव कर रहा है 100, देयर इज अ एरर इन द डेटा। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि एरर आई है, बिकॉज सेंडर है, लेट्स से सेंडर और रिसीवर बहुत दूर दूर है, सेंडर इज इन इंडिया एंड रिसीवर इज इन यूएसए। तो रिसीवर को पता कैसे लगेगा कि रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम अक्कर हुई है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं एरर डिटेक्शन मेथड। एरर डिटेक्शन मेथड का मतलब है कि एटलीस्ट हमें यह पता लग जाए कि डेटा के अंदर कोई एरर है, क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता लगेगा कि डेटा के अंदर कोई एरर है तो सिंपली रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सेंडर ने भेजा क्या था, 5। इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू अ डेसिमल वैल्यू इट बिकम्स 5, और यहां पे अगर हम बात करें इट बिकम्स 4। तो डेटा जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर हम इस तरीके से बात करें कि एटलीस्ट मुझे ये पता लग जाए कि वहां पे एरर है, तो हम एरर डिटेक्शन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन का भी एक फर्दर एडवांस स्टेप है। मतलब मुझे ये तो पता लग गया कि वहां पे कोई ना कोई एरर है, मुझे ये भी पता लगाना है कि कौन सी बिट में एरर है, Which bit is having a in a error state? तो ये वाली bit जो है वो error state में है, तो हम उस bit को correct कर सकते हैं। तो ये जो है ये basic सा fund है error detection और correction का। और ये error detection और correction अगर हम OSI layer की बात करें तो कहाँ पे occur होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी अक्कर होता है और डेटा लिंक लेयर पे भी अक्कर होता है। तो हम डेटा लिंक लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जहां पे बिट बाय बिट हम चेक करते हैं कि इज देयर एनी एरर और नॉट। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहां पे बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर। एरर में यह भी है कि इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, मतलब कि जो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एप्लीकेशन लेट्स से सेंड कर रही है कोई ऑडियो, अगर हम ऑडियो या वीडियो की बात करें, तो कई बार क्या होता है ऑडियो और वीडियो में कुछ कंटेंट जो है वो एरर के साथ आ जाता है, मतलब कुछ कंटेंट में कुछ चेंज हो गया तो थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आई, लेकिन हम उसको बियर कर लेते हैं। लेकिन टेक्स्ट के अंदर स्पेशली अगर कोई एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहां पे हम चैट कर रहे हैं या रियल टाइम डेटा हम सेंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, तो वहां पे हम इस एरर को बियर नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन चाहे वो एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करवा सकती है, अगर वो नहीं जाती तो हो सकता है वो कुछ एरर को बियर कर सके। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें सिंगल बिट एरर की, तो सिंगल बिट एरर का मतलब है, नाम से पता लग रहा है, एक बिट में चेंज है। जैसे यही एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया कि अगर सेंडर सेंड कर रहा है डेटा 100 और रिसीवर रिसीव कर रहा है 101, मतलब किसी भी एक बिट में चेंज है। पूरे डेटा ब्लॉक में जो भी हम पैकेट सेंड कर रहे हैं, जो भी हम ब्लॉक सेंड कर रहे हैं, उस ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल बिट एरर। और जनरली एरर अक्कर होने का रीजन क्या है, एरर अक्कर होने का रीजन है कि जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो हम ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। तो जब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वो ट्रेवल होती है, एनर्जी कई बार लॉस हो जाती है, अटेन्यूएशन अक्कर हो जाती है, या नेचुरल इफेक्ट भी है, यहाँ पे एनवायरमेंटल के इफेक्ट भी है, थंडरबोल्ट है या फिर लाइटनिंग की वजह से, या कई बार क्या होता है कोई ऐसी मशीन जिसके ऑन होने से, स्टार्ट होने से कोई शार्प नॉइस है, इन रीजंस की वजह से कई बार बिट में चेंज हो जाती है। और हम डिजिटल डेटा की बात करें तो डिजिटल डेटा का सिंपल सा मतलब है 1 becomes 0 या 0 becomes 1। तो इतने में सारा डेटा जो है वो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो अगर मतलब ही चेंज हो गया तो रिसीवर के लिए वो डेटा किसी काम का नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि रिसीवर को पता कैसे लगेगा, तो वो एरर डिटेक्शन है। और अगर वो करेक्ट भी कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ करेक्शन। तो सिंगल बिट में मतलब एक बिट जो है वो चेंज हो रही है। बर्स्ट एरर विच इज आर नॉर्मली अकर्स, बर्स्ट एरर इज व्हाट, कि जहां पे मोर देन वन बिट चेंज हो रही है। लेट्स से कि अगर मैं डेटा सेंड कर रहा हूं 101010 और रिसीवर रिसीव कर रहा है 111010,
Yeah, let's say 111. This is a type of data receiver is receiving. तो यहाँ पे burst error का मतलब है एक से ज्यादा bit change है. जैसे देखो ये वाली bit यहाँ पे change है और इसके अलावा next जो है हमारे पास this bit is also change. First bit one same, next bit change, third bit same, fourth bit same, fifth same and sixth same. तो यहाँ पे मैंने दो bit का change किया. This is a simple example. आप जो मर्जी example frame कर सकते हो. जहाँ पे भी एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा अगर यहाँ पे error में data में change हो रहा है, bits में change हो रहा है, that is called a burst error. लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं, हालांकि बहुत ही simple सा point है, लेकिन अगर पूछ रहे हैं आपसे what is the length of error, what is the length of error, तो length of error कैसे निकालते हैं हम? बिटवीन अगर कोई बिट्स है वो चेंज नहीं हुई, वो एज इट इज है, तब भी हम उसको काउंट करते हैं. कैसे? ये देखो, सबसे पहली बिट ये चेंज हुई, 1, 2, 3, 4, 5. तो यहां से लेके यहां तक की पूरी ड्यूरेशन को हम काउंट करते हैं. तो इस पूरी ड्यूरेशन का मतलब है ये सेकंड बिट चेंज हुई और उसके बाद ये सिक्स्थ बिट चेंज हुई, तो ये पूरी ड्यूरेशन क्या बनी? 5 बिट की ड्यूरेशन बनी. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरर? 5. लेकिन हाउ मेनी बिट्स एक्चुअली चेंज? 2. लेकिन इसकी वजह से पूरे डेटा में जो है वो डेटा का मतलब ही पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेट्स से इफ द बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल इज 1 Gbps, देन फॉर हाउ मच ड्यूरेशन द एरर शुड लास्ट. मतलब एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर लेट्स से कि ए एंड बी दो नोड्स आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ चैनल और उस चैनल की बैंडविड्थ है 1 Gbps, 1 Gbps. अगर मैं डिले की बात ना करूं, यहां पे प्रोपेगेशन डिले को काउंट नहीं कर रहा, तो उस केस में वो पूछ रहा है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एरर. मतलब एरर अगर कोई अक्कर हो रही है इसमें तो वो कितनी देर तक अक्कर होनी चाहिए. तो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा मतलब है कि 1 Gbps का मतलब है 10^9 bits. 10^9 bits आप एक सेकंड में सेंड कर रहे हो, ट्रांसमिट करो. मतलब ए में एक बिट जो है वो एक 10^9 bits जो है वो एक सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएंगी अगर मैं डिले को काउंट नहीं कर रहा. ये मैं कंस्ट्रेंट साथ में लेके चल रहा हूं. तो एक बिट का टाइम कितना है? 1/10^9 seconds, विच इज ऑल्सो 1 nanosecond. मतलब ये बन गया 1 nanosecond. तो यानी अगर एरर 1 nanosecond तक अक्कर रहती है, मतलब 1 nanosecond तक वो ड्यूरेशन रहती है, तो डेफिनेटली सिंगल बिट एरर अक्कर होने के चांसेस है. लेकिन एरर जो है वो जनरली 1 nanosecond या 1 micron नहीं, वो थोड़े ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अक्कर होती है. इसीलिए बर्स्ट एरर जो है वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू द सिंगल बिट एरर. और अगर यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और पूछा जाए कि अगर लेट से एरर अक्कर होती है 1/1000 seconds टाइम तक, मतलब एक एरर है वो कोई भी एक कोई रीजन है, कोई भी कॉज ऑफ द एरर है और उसकी ड्यूरेशन है उस कॉज की 1/1000 seconds. इसी क्वेश्चन में देन हाउ मेनी बिट्स विल बी करप्टेड. कितनी बिट्स करप्ट हो जाएंगी, कितनी बिट्स एरर में आ जाएंगी, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 10^9 से. मतलब 10^6 बिट्स जो है वो क्या हो जाएंगी? करप्ट हो जाएंगी. इतनी बिट्स जो है करप्ट हो जाएंगी अगर 1/1000 seconds तक एरर रहती है. मतलब ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, लेकिन कई बार क्या होता है सिंपल पॉइंट की वजह से हम क्वेश्चंस कई बार गलत कर जाते हैं, ये पॉइंट हम मिस आउट कर जाते हैं. तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. देन वी हैव द डिटेक्शन मेथड्स. अगर हम डिटेक्शन मेथड्स की बात करें तो कौन कौन से डिटेक्शन मेथड्स हैं? सिंपल पैरिटी है जिसमें हम इवन और ऑड पैरिटी की बात करते हैं, 2-dimensional पैरिटी चेक है, चेकसम है एंड सीआरसी विच इज अ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. तो इसमें ये जो दो मेथड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज चेकसम तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हम यूज करते हैं जनरली, और सीआरसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. इन सब मेथड्स की अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी लिमिटेशंस भी हैं, जो हम एक एक करके फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड एरर करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं हैमिंग कोड. तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये किस टेक्नोलॉजी या किस बेस पे आधार, इनका जो बेस क्या है? वो बेस है रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब है
मतलब अगर मैं भेज रहा हूं, लेट्स से 8 बिट्स हैं डेटा की, अगर मैं 8 की 8 बिट्स भेज रहा हूं डेटा की, तो देयर इज नो वे टू चेक कि एरर अकर हुआ है या नहीं हुआ. मुझे हमेशा एक्स्ट्रा बिट भेजनी पड़ती है. एक्स्ट्रा बिट का मतलब है कि अगर मेरे 8 बिट का ब्लॉक है मेरे पास, तो मुझे 8 बिट की मैं डेटा नहीं भेज सकता, मैं 6 या 5 या 7 का भेजूंगा. बाकी की बिट कितनी होंगी, रिडंडेंट, या उसको बोल सकते हो एक्स्ट्रा बिट, जो किस लिए यूज होती है, एरर डिटेक्शन या करेक्शन के लिए. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी मेथड्स को देखेंगे. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.